देखिए खोआ को भून देते हैं। ऑफ कर देते हैं। अभी से चाशनी चढ़ा देते हैं। ये 100 ग्राम है चीनी, इसको डाल देते हैं। अभी से चीनी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, बादाम है, काजू है, और ये 2 चम्मच चीनी मिला दीजिए। ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया, ये तैयार हो गया। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। देखिए 6 ब्रेड है साइड वाला, काटेंगे। ये सारा कट गया है, इसको साइड में रखते हैं। इसमें इलायची डाल देते हैं। अब चलिए अब खोया को जितना ब्रेड है उतना गोला बना लेते हैं। नहीं जल रहा। देखिए 6 ब्रेड है, 6 इसका गोला बना लिए। अब इसको दूध में भिगोएंगे। ये 5 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, दूध में भिगोकर अच्छी तरह से इसको हाथ से दबा देंगे, पूरा पानी निकाल देंगे। दूध पूरा निकाल देंगे। अब इसको इसमें डालेंगे, इसको इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे। देखिए देखिए अच्छी तरह से ये चारों तरफ से बंद हो गया। इसी तरह सारा करना है। देखिए सारा 6 के 6 बन गया। अब इसको तल लेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब चमचम डाल देते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब इसको ब्राउन हो गया है। अब इसको पलट देते हैं। चारों तरफ से ये बन गया है, ब्राउन हो गया है। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आपको पता नहीं चलेगा कि छेना का है कि ब्रेड का है। इसको निकाल देते हैं। अब चाशनी गर्म कर लेते हैं। बाल आ गया। अब ये एक एक करके डाल देंगे। अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट देखिए अब एक एक करके चमचम निकालेंगे। रस में पूरा रस चला गया है। अब एक एक करके निकाल के ये नारियल बुरादा है। ये नारियल बुरादा में ऐसे ऐसे लपेट देंगे अच्छी तरह से, और ऐसे निकाल देंगे।
सारा ऐसे ही करेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, सब ऐसे करके डाल दीजिए। देखिए आपका बचा हुआ ब्रेड का चमचम बन के तैयार है। एक काट के मैं दिखा रही हूँ, देखिए अंदर में ये कलर जो खोया का कलर है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये चमचम ब्रेड का चमचम कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।